आज हम आपको मिलवाएंगे उनसे जिनकी गायकी की पूरी दुनिया दीवानी है, भजन सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अनूप जलोटा जी की। अनूप जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि इससे बातचीत करने के लिए। अच्छा लगा बात करके आपसे। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि फिल्मों से आपकी इतनी दूरी क्यों बनाए रखते हैं, सिर्फ भजन में ही रहते हैं आप? संगीत का कोई भी क्षेत्र आनंद दे सकता है, चाहे वो शास्त्रीय हो, चाहे सुगम हो, चाहे भक्ति संगीत हो, चाहे गजल हो, और मुझे भजन के माध्यम से ज़्यादा आनंद आया तो मैं इसकी सेवा में लग गया हूँ और मैं इसमें बहुत संतुष्ट हूँ। और आज की जो गायकी है, जिस तरह के गाने आजकल आ रहे हैं, अश्लीलता जो है इतनी ज़्यादा दिखाई देती है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या ये बंद नहीं हो जाने चाहिए? जहाँ भी अश्लीलता हो उनको बैन कर देना चाहिए, वो बिल्कुल सामने नहीं आने चाहिए, क्योंकि परिवार के सभी सदस्य सुनते हैं। लेकिन जो केवल वेस्टर्न म्यूजिक में है गाने, उनको आने में कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि हम लोग भी वेस्टर्न म्यूजिक का आदर करते हैं, उसको पसंद करते हैं। बस उसमें जो घटियापन है वो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। आपकी पर्सनल सर मैं चॉइस जानना चाहूंगी, गजल, पोएट या भजन? मैं सबसे ज्यादा क्लासिकल म्यूजिक पसंद करता हूँ, इसीलिए मैं भजन ज्यादा गाता हूँ, क्योंकि भजन जो है वो शास्त्रीय संगीत का ही एक अंग है। तो ये जो इवेंट आप अटेंड करने आए हैं, यहाँ पर औरतों को प्रोत्साहन देने के लिए आए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन से इसको जोड़ा गया है, क्या आप दो शब्द कहना चाहेंगे इन महिलाओं के लिए? मैं यही कहता हूँ, मैं जो सबसे बड़ी बात यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि महिलाओं का पूरा आदर होना चाहिए। बेटी बचाओ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संतुलन समाज का बिगड़ जाता है। बहुत से ऐसे प्रदेश अब नज़र आने लगे हैं जहाँ पर लड़कियाँ कम है, लड़के ज़्यादा हैं, तो शादियाँ कैसे होंगी? अनूप जलोटा जो कि पहुंचे हैं यहाँ पे भजन संध्या में और महिलाओं का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए, जिनको आगे उनकी प्रतिभाओं को बढ़ाने के लिए संस्था जो है मदद कर रही है, इस आंदोलन को जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के साथ में भी जोड़ा गया है। और अनूप जलोटा का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए कैमरा मैन अभिषेक के साथ भारत गुप्ता के न्यूज।